वो किस तरह से आप देंगे उसको, चीजें डिवाइड करेंगे आप सबसे पहले इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स स्टार्ट में आप देते हैं, स्टार्ट में डायरेक्टली आप रोटी भी कभी भी नहीं चाहते, तो बच्चे ने मतलब टीदिंग वाला पीरियड भी उसको आया ही नहीं है अभी बच्चे के, सिर्फ यू नो इट ओनली हैज गम्स, द बच्चा ओनली हैज गम्स, तो आप सबसे पहले उसको प्यूरीज देंगे। अब प्यूरीज क्या होती हैं, प्यूरीज हर फूड पार्टी के जो भी आइटम हैं आप उसको लेते हैं और आप उसको ब्लेंड करते हैं। अब ब्लेंडिंग की भी उसमें ऑप्शंस होती हैं, समटाइम्स यू ऐड वाटर इन इट और समटाइम्स यू ऐड थोड़ा जो फार्मूला मिल्क होता है, फ्यू ड्रॉप्स या फ्यू आउंसेज ऑफ फार्मूला मिल्क, उसको सिर्फ डायल्यूट करने के लिए। डायल्यूट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट में डायल्यूशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जितना पानी की कंसिस्टेंसी का या जितना बच्चे फार्मूला मिल्क लेते रहते हैं 6 माह तक, जितना फार्मूला मिल्क की कंसिस्टेंसी का फूड होगा बच्चा उतनी ईजिली ले सकता है, क्योंकि बच्चे के प्रॉपर निगलने वाले रिफ्लेक्सेस अभी टाइम के साथ डिवेलप होने होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपने बच्चे को प्योरी फॉर्म में देना है, हर चीज़ ब्लेंडेड फॉर्म में देनी है, पार्टिकल किसी चीज़ का भी नहीं होगा, रेशा किसी चीज़ में भी नहीं होगा। उसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है, आप बच्चे को देंगे क्या, आप फ्रूट से स्टार्ट करवाएंगे, उसके बाद स्मॉल सर्विंग ऑफ फ्रूट। आप मदर्स यहाँ पे एक नॉर्मली एक थोड़ा सा इशू होता है, मदर्स बहुत कंसर्न हो जाती हैं कि बच्चा नहीं खाता या कम खाता है, बच्चे ने स्टार्ट में टीस्पून से स्टार्ट करना, उसकी सर्विंग साइज जो होगा वो टीस्पून ऑफ अ फीड होगा, जितना भी आपने बनाया है उसका 1 टीस्पून एट अ टाइम बच्चा ले तो दैट्स फाइन। आपने उसकी इंटरवल जो है वो कम होते हैं, हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपने थोड़ा सा बच्चे को देना है, बच्चा 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं लेगा क्योंकि बच्चे नॉर्मली नहीं लेते ज़्यादा। वहाँ पे मदर्स काफ़ी परेशान होती हैं, स्पेशली जो न्यू मदर्स होती हैं कि बच्चा नहीं ले रहा, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आप कंसिस्टेंसी जो है और वो टाइम इंटरवल वो इम्प्रूव करते हैं विद टाइम, बच्चा 6 माह का भी वो बहुत थोड़ा लेगा, उसके रिफ्लेक्सेस बिल्कुल डिवेलप नहीं है। एक और यहाँ मैं बड़ी अच्छी टिप देना चाहूँगी स्पेशली जो न्यू मदर्स हैं, वो ये कि बच्चा जब 6 माह का होता है एकदम से उसको स्टार्ट करवाने की बजाय, बच्चा बिल्कुल भी उसको समझ नहीं होगी ग्लास क्या होता है, स्पून क्या होता है, बोल्स क्या होते हैं, अपने खाने के टाइम जब आपका होता है, जब बच्चा 5 मंथ्स का हो जाए तो उसके बाद अपने खाने के टाइम पे बच्चे को साथ बिठाएं, उसके बाद उसको थोड़ा सा उसके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो अच्छे करने के लिए उसके मुंह के आगे स्पून कर दिया, थोड़ा सा वो स्पून मुंह के आगे होगा उसको पहले समझ, बल्कि आप खुद नोटिस कीजिएगा स्पून मुंह के बच्चे के आगे लाएंगे वो मुंह भी नहीं खोलेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं उसने उसके साथ क्या करना है, राइट। तो आप सबसे पहले उसके रिफ्लेक्सेस डेवलप करेंगे, उसके बाद आप उसको अपने साथ बिठा के खाना खिलाना शुरू करें, आप साथ बिठा के खाना खिलाएंगे, उसको पता चलेगा अच्छा इस तरह खाते हैं, ये सिस्टम होता है या ये तरीकाकार होता है। फिर जब बच्चा 6 मंथ्स का हो जाएगा उसको पता होगा कि स्पून आएगा तो आई एम सपोज टू ओपन माई माउथ, वो मुंह खोलेगा, इस तरह खाना आसान हो जाता है। उस टाइम पे भी बच्चे फौरन से खाया मुंह बंद कर दिया, मुंह से बाहर निकल आता है, ये निकलेगा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चे को अभी खाना खाने की वो ना उसको प्रैक्टिस नहीं है, टाइम के साथ ही चीज़ बड़ी अच्छी डेवलप होती रहती है, पर आपने वहाँ पे स्टॉप नहीं लेना, आपने परेशान होकर फौरन से डॉक्टर के पास नहीं भागने के बच्चा नहीं खा रहा है मुंह से बाहर निकाला है, बच्चा बाहर निकालेगा बिकॉज उसके रिफ्लेक्सेस डिवेलप नहीं है। तो पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि बच्चा 10 मंथ्स में आप स्टार्ट नहीं करवाते भी नहीं, नॉर्मली जो है अभी हम क्वेश्चन रिव्यू कर रहे थे जितने भी हमें आए तो काफ़ी लोगों ने लिखा कि 10 मंथ्स का या 8 मंथ्स का मैंने अब खिलाना शुरू किया है। तो जितनी भी न्यू मदर्स हैं सबसे पहले चीज़ तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने 6 मंथ्स में खिलाना शुरू करना है, 7 मंथ्स 8 मंथ्स टाइम लेट है, जितना टाइम आप लेट करते जाएंगे बच्चे की हैबिट जो खाने की है वो उतनी जो है वो लेट डिवेलप होगी, उतना बच्चा तंग करेगा बिकॉज उसको पता ही नहीं है, बच्चे ने 6 माह तक सिंपल वो फीडर पे रहा है, अब उसको सारी चीज़ें टाइमली इंट्रोड्यूस करवानी है, अगर आप टाइम से इंट्रोड्यूस नहीं करवाते तो उसमें भी इशू आ जाता है। तो बच्चा इसलिए जितना लेट आप करवाएंगे और बच्चा उतना खाने में तंग किया करेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे इशू आ रहा था कि आवाज़ का इशू आ रहा था, मुझे लगता है कि ना अब मुझे लगता है कि सबको आवाज़ जा रही है हमारी, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो अच्छा आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि क्या नाम है, 6 मंथ से मैं वीनिंग स्टार्ट करूँ, जिन मदर को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है और वो अपने बच्चे को वीनिंग स्टार्ट करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है फिर उनका बच्चा ज्यादा तंग करता है, आई गेस बच्चे तो वैसे ही तंग करते हैं बहुत ज्यादा। मैं यहाँ ये चीज़ें मैंशन करना चाहूंगी कि नॉर्मली जो वीनिंग का इशू आता है ना मदर्स उस वक्त स्टार्ट करवाते हैं जब बच्चा ना टीजिंग वाली एज में जा रहा होता है, जब उस फेज में जाता है, और बहुत कॉमन चीज़ है ये कि वीनिंग लेट स्टार्ट करवाना, जब जब वीनिंग लेट स्टार्ट करवाई जाएगी तब तब बच्चों का मसला होगा, बच्चे और वो खाने की देखें जिस चीज़ की आदत नहीं ना उस चीज़ की आदत डिवेलप करना एक टाइम गुजरने के बाद इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह एडल्ट्स में आप टीन एज में होते हो, आप छोटे बच्चे होते हैं, आपकी तब जो है कोई भी हैबिट डिवेलप करवाना इज मच ईजियर देन आप इस एडल्ट को कहो कि एक्स वाई जी आप अपनी आदत छोड़ दो। बच्चों में भी इस तरह माइलस्टोन्स होते हैं, इतनी एज में वो ये सीखेगा, इतनी एज में वो ये सीखेगा, जब जब उसका जो जो टाइम है 6 मंथ्स में उसने खाना खाना है, आप लेट करवाएंगे बच्चे की आदत फीडर पीने की और मिल्क ही लेते रहने
यानी कि और पक्की होती जाएगी। इसलिए बच्चे वन वन ईयर अबव होते हैं और उनका मेजर इनटेक सिर्फ और सिर्फ दूध होता है। बल्कि एक मदर थी, उन्होंने क्वेश्चन भी किया था कि वन ईयर अबव उनका बच्चा है और वो सिर्फ 2 to 3 ounces मिल्क लेता है दिन में 4-5 times। 2 to 3 ounces वन ईयर अबव के लिए बहुत ज़्यादा कम है। ये तो सिर्फ वन ईयर अबव के तो 2 घूंट बनते हैं ये। तो वही सारी बात घूम फिर के वही आती है कि आपने वेनिंग टाइमली इंट्रोड्यूस करवानी है जब उसका टाइम है। ठीक है, यहाँ पे फेदर्स ब्रीडर ने एक सवाल किया हुआ कि प्लीज एडवाइस अबाउट गिविंग इम्पोर्टेड फ्लेवर्ड मिल्क टू किड्स। एज मेंशन नहीं की भी, अगर आप इस वक्त हमें व्यू करें प्लीज एज मेंशन करें, एज मेंशन कर दें ताकि हम अच्छे तरीके से गाइड कर सके ना। अच्छा, यहाँ पे 3 दिन की बात की हुई है कि बच्चा जब स्टार्ट करते है 3 दिन, तो उसमें ये होता है कि एक तो वैसे ही वो चिड़चिड़ा हुआ होता है और उसके बाद वो खाना पीना, वैसे ही बच्चों का शौक का काम तो नहीं है खाना पीना, जब वो चिड़चिड़े होते हैं बीमार होते हैं ये इस सिनेरियो में होते हैं तो वो बिल्कुल ही खाना नहीं खाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए, क्या स्ट्रेटेजीज हों, या बच्चे को कौन सी ऐसी फूड चॉइस, मतलब ऐसी कौन सी फूड चॉइसेस मदर दें कि बच्चे की सारी न्यूट्रिएंट्स उसमें मैक्सिमम कवर होती रहे। देखिए, यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी कि हेल्दी ईटिंग प्लेट क्या होती है। बच्चों को यहाँ पे हम थोड़ा सा मसला कर देते हैं, मिस्टेक होती है हमसे कि हम बच्चों की डाइट अपनी डाइट से कंपेयर करते हैं। हमारी डाइट होती है रोटी सालन, बच्चे की डाइट में देयर आर 5 ग्रुप्स जो आपने उनको बैलेंस्ड अमाउंट में इक्वली देना है। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, आपका ग्रेन्स का ग्रुप है और आपका फैट्स का है और उसके बाद आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का है। ये सारे बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चे को लट से दही नहीं दे रहे, राइट? तो आपने ये सबसे पहले ये चीज़ जो आपने न्यूट्रिएंट्स की बात की कि न्यूट्रिएंट्स पूरे हों, न्यूट्रिएंट्स सिर्फ उसी सूरत में पूरे होंगे जब आप बच्चे को याद रखेंगे आपने कौन सा फूड ग्रुप आज दे दिया और कौन सा फूड ग्रुप आज नहीं दिया। बहुत सी टीदिंग में बच्चे को एक चीज़ ज़रूर दें, बच्चे या प्यूरीज वाली एज से बाहर निकल आते हैं, बच्चे को चबाने का दिल करता है, जो चीज़ निकलेगी बच्चा मुंह के अंदर डालेगा क्योंकि बच्चे चबाएगा उसको सूदिंग चीज़ लगती है, तो बच्चों को चबाने वाली चीज़ें दें। उस टाइम पर रोटी भी बच्चे ले लेते हैं थोड़ी सी। और बच्चे एक और चीज़, बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं कि बच्चों को आप चीज़ देते हैं हाथ में पकड़ा देते हैं, स्पेशली टीदिंग वाली एज में ये मिस्टेक होती है, बहुत कॉमन है कि बच्चे को हम पकड़ा देते हैं उसके बाद हम नहीं देखते कि बच्चे ने खाया कितना। मैक्सिमम टाइम्स ऐसे होता है कि बच्चे चूस चूस के बाहर फेंक करता है, अगर आप देखें तो पीछे जहाँ एक इतना पीस रोटी का दिया ख़त्म तो वो हुआ होगा, आपको मिलेगा तो नहीं, पर क्या बच्चे ने खाया, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप बच्चे को देखें कि बच्चे ने, क्योंकि बच्चे ने गिराना ही गिराना है, टीदिंग वाले टाइम पर बच्चा आधा गिरा चबा के काफ़ी दफ़ा बाहर फेंक देता है, तो आपने ये ज़रूर देखना है कि टीदिंग वाले टाइम पीरियड में तो बच्चे को वो चीज़ देनी है जो थोड़ी सी हार्ड हो, ठीक है, उसमें चावल है वो च्यूएबल चीज़ें हों, या आसान अल्फाज में कहें च्यूएबल हों, तो च्यू करे बच्चा, प्यूरीज है च्यू नहीं करते आप, उनको निगलते हैं सिर्फ, ठीक है, तब तक बच्चे के निगलने के रिफ्लेक्सेस अच्छे हुए होते हैं। अब उसे चबाना सीखना है तो बच्चे को हर वो चीज़ जो थोड़ी सी अपने टेक्स्चर में थोड़ी सी सॉलिड में आती है बच्चा वो लेगा, फ्रूट्स लेगा उस टाइम पे। पर इनटेक जहाँ न्यूट्रिएंट्स की बात है, न्यूट्रिएंट्स आपके सिर्फ तभी बच्चे के बैलेंस होंगे जब आप देखेंगे कि सारे फूड ग्रुप से खाना गया कि नहीं गया। फूड ग्रुप्स आप जब तक बैलेंस नहीं करेंगे बच्चा कमज़ोर होता है। टीदिंग वाले टाइम पीरियड में बच्चा वैसे चिड़ के, और कभी बार कुछ बच्चों को फीवर हो जाता है तो इनके ड्रॉप्स वगैरह मिलते हैं आप वो दें, जेल्स होती हैं आप वो दें, वो बड़ी सूदिंग होती हैं, ये चीज़ें ज़रूर यूज़ करें। काफ़ी लोग ये यूज़ करने से डरते हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि इंस्टेड ऑफ दिस कि आपका बच्चा खाना बंद कर दे, अगर इनकी मदद से खाए तो दैट्स मच बेटर। दोबारा वही बात जो मैं बार बार एम्फोसिस करूंगी आई थिंक थ्रू आउट दिस लाइव सेशन, कि बच्चे ने जब खाना छोड़ दिया और बच्चे को ना खाने की आदत पड़ गई, फिर टीदिंग वाला टाइम पीरियड से निकल के, क्योंकि टीदिंग एक दिन की बात नहीं है, ये महीनों चलनी है चीज़, तो बच्चा अगर आज छोड़ेगा तो बच्चा आगे भी छोड़ा, मतलब उसको छोड़ने की आदत एक बन गई हुई है, उसको पता है मुझे पेन हो रही है, आई एम फीलिंग इरिटेटेड, आई वॉन्ट ईट एनी थिंग, वो नहीं कुछ खाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने वो खिलाना छोड़ना नहीं है, मदर की तरफ से या केयर टेकर्स जो भी कोई घर में बच्चे हैं या कोई भी केयर टेकर है बच्चे के, मदर और बाकी सारे, ये सारे मिलकर ना एक कंबाइंड एफर्ट होती है बच्चे को खिलाने की। ये बहुत डिफिकल्ट टाइम पीरियड होता है बच्चे का, बच्चे को खिलाना या सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाना 6 months अबव भी, तो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। तो ये चीज़ देखना कि मैंने दिन में एक दफ़ा कोशिश कर दी तो दोबारा, आई नो इट्स, यू नो इट्स ह्यूमन नेचर कि आप थक जाते हैं, आप एक चीज़ पे आप बार बार एक चीज़ की ट्राई कर रहे हैं वो नहीं इम्प्रूव हो रही, बच्चे में आपने इम्प्रूवमेंट नहीं देखनी। जब आप इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप खुद भी तंग होंगे कि बच्चे को आपने दिया बच्चे नहीं खाया, बाद में आपके भी मैंने नहीं खिलाना, या उस टाइम पे ऐसे होता है थकावट हो जाती है बच्चे को भाग भाग के खिलाना पड़ता है, और ये चीज़ बिल्कुल सही है, बच्चे को भाग के ही खिलाना पड़ता है, बच्चे तंग करते हैं इस चीज़ में। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की हैबिट बने तो आप टाइमिंग्स फिक्स करें उसके, ये चीज़ हैबिट डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है।
बच्चे के खाने की चीज़ जो है सारा पैटर्न, ये सारी हैबिट डेवलपमेंट है। अगर आप बच्चे के खाने के टाइमिंग्स फिक्स होंगे तो उस वक्त उसकी बॉडी, लेट्स से 1 o'clock इज लंच टाइम, 1 o'clock उसकी बॉडी खुद डिमांड करेगी खाना। जब वो खुद डिमांड करेगी तो बच्चा खुद ही सॉलिड चीज़ की तरफ भागेगा। एंड देन अगेन अगर सॉलिड चीज़ की तरफ बच्चा भागता है, मांगता है, तो आपने उसको घर की चीज़ें ही देनी है, होम मेड चीज़ें देनी है। जहाँ आपने बाजार की चीज़ें दी, अगेन वही बात, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, आपका बच्चा कमज़ोर होगा। और बहुत से मदर्स यही रीज़न कहते हैं, टीदिंग वाली एज में बच्चा कमज़ोर होता है, पर उसमें बहुत ज़्यादा केस ये भी होता है कि खिलाना पिलाना हमने थोड़ा सा खुद बंद किया होता है, थोड़ा बच्चा चिड़चिड़ा हुआ होता है, तो इट्स ए कम्बाइंड एफर्ट। इसलिए बार बार खिलाने की कोशिश करें, हर 2 घंटे बाद दोबारा से एक एक चम्मच करके खिला दिया, वो एक एक चम्मच ही एट द एंड ऑफ द डे एक बड़ा सर्विंग बन जाती है, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो मल्टी विटामिन टाइप चीज़ बन जाती है, मल्टी न्यूट्रिएंट्स टाइप चीज़ बन जाती है, अगर आप सारे फूड ग्रुप से खाना देते रहें तो। ठीक है, वेरी वेल एक्सप्लेन। अच्छा, यहाँ पे 2 लोगों के सवाल हैं, एक अस्मा फिजान का और एक हिना अदनान का। दोनों का यही सवाल है कि मेरे बच्चे क्यों नहीं खाना नहीं खाते, तो मुझे लगता है कि एज अपनी जरूर मेंशन करें बच्चे की, ठीक है। जो अस्मा ने बताया, उन्होंने ये बताया कि मैंने इसी तरह, मतलब अपने, उनका इशू यही था कि मेरे बेटे को थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया कि खाना पिलाना, राइट। तो वो क्योंकि वो जॉब कर रही थी उस टाइम, तो वो कह रही है कि वो काफी निग्लेक्ट हो गया ना, तो अब उसको बिल्कुल भी थोड़ा सा खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि यमुना ने ये पहले सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो मुझे लगता है आपके क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन हो गया। और जहाँ तक हिना अदनान की बात है, वो भी यही कह रही है कि मेरी बेटी है 4.5 ईयर्स की और उसका 15 kg वेट है, तो वो भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह आपने पहले एक्सप्लेन किया कि कंबाइन एफर्ट होती है, तो उसमें मुझे लगता है इसका जवाब भी कभी कभार जो बच्चे हैं ना बाकी बहन भाइयों में बैठे खा लेते हैं, आप तब कोशिश करें। अब जब बच्चा एक नहीं ना खा रहा, कोई प्रॉब्लमेटिक केस अगर ऐसा आ गया, तो आपने ना उसको खाने का माहौल होता है, जिसमें देखें अगर आप सोना चाहते हैं, बीइंग एडल्ट्स भी एक आदत बनी होती है सोने की ना, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइट होनी चाहिए कमरे में, फलाना पिलो होगा तो मैं सोऊंगा, फलाना टेम्परेचर होगा तो मुझे अच्छी नींद आएगी। खाने के टाइमिंग्स में भी ऐसे ही होता है, खाना जो है उसको खिलाना एक बड़ी एक टेक्निकल सी चीज़ होती है बच्चों में। खाने की सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका बच्चा बेशक वीनिंग वाली एज से निकल गया, उसने लेट से कोई भी इशू था, आप नहीं खिला पाए टाइम से, बच्चे की आदत नहीं बनी, अभी भी टाइम है बच्चे के खाने के टाइमिंग्स फिक्स करने। उस टाइम पे 4 लोग उसके साथ बैठ के ज़रूर खाएं, बच्चा उसी चक्कर में खा लेता है। बच्चों को समटाइम्स आपको ट्रिक करना पड़ता है, तो ये मुश्किल बात नहीं है, बस ये है कि इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये मैं मतलब बात ज़रूर कहूँगी कि ये आसान चीज़ नहीं है, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। पॉइंट इज़ कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे के खाने की टाइमिंग्स फिक्स करें, और उसके बाद उसको माहौल दें, कोई उसके साथ बैठ के खाए, कोई बड़ा बैठे, कोई घर ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बैठे, बातें करते करते खिलाएं। दिस इज़ द ओनली वे आप बच्चे को खिला सकते हैं। और बहुत से पेरेंट्स इस टाइम पे कहते हैं कि एपिटाइट इन्हेंसर्स मेडिकेशन ऐसी जो है वो, जो भूख ज़्यादा लगाए या मल्टी विटामिंस, ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन है। आप में से जो भी पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैं बताती चलूँ कि टेम्परेरी सोल्यूशन है, 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना इसका फायदा होगा, उसके बाद ये भी, क्योंकि बॉडी हमारी नेचुरल वे में जितना आप उसको डील करेंगे उतना बेहतर होता है। अगर आप इन चीज़ों पे रहेंगे तो थोड़ी देर के लिए फायदा देंगे, वापस दोबारा वही कंडीशन आ जाएगी। इसलिए रूट कॉज खत्म करें। रूट कॉज क्या है? बच्चे को खाने का माहौल दिया जाए, खाने का माहौल दें उसको, और जो है बाजार की चीज़ें बिल्कुल ना दें। बाजार की चीज़ें नेचुरली आपकी भूख बच्चे की खत्म करती हैं। आप खुद देखें, अगर आप कोई बाजार की चीज़ खा लें, आप चिप्स खा लें, कोई पैकेट वाले चिप्स होते हैं नॉर्मल, आप वो लें और उसके बाद आप खाना खाएं, आपको वैसे भूख नहीं लगेगी। सेम हैपन्स विद किड्स, जब उनको भूख लगे तो उनके पास हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल होनी चाहिए। हेल्दी ऑप्शंस होंगी, भूख लगेगी, आप नॉर्मली वो खा लेते हो। जैसे बड़ों की मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, जब भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है तो किसी भी तरह का खाना वो ऑलमोस्ट अच्छा ही लग रहा होता है। क्यों? भूख अच्छी लगी होती है। भूख अच्छी लगेगी तभी जब बच्चे की टाइमिंग्स फिक्स होंगी। टाइमिंग्स फिक्स में भूख अच्छी लगेगी, वो चीज़ मांगेगा, तब आपने उसको हेल्दी फूड ऑप्शंस देनी है। ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस, शुगरी ड्रिंक्स, सारी चीज़ें घर से कम्प्लीटली ख़त्म कर दें। जब तक आपका बच्चा प्रॉपर एक बड़ा सेंसिबल नहीं हो जाता, तब तक ये चीज़ें ख़त्म कर दें। नहीं ख़त्म करेंगे तो ये मसला नहीं जाएगा। आपको यू हैव टू ओमिट द रूट कॉज, आपको वो एलिमिनेट करनी है, ठीक है। वो जैसे एलिमिनेट होगी तो बच्चा जो है वो खाना शुरू कर देगा। इट्स ऑल अबाउट हैबिट डेवलपमेंट, ठीक है। यूना, आपने जो बात की कि इस तरह ट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट देना चाहिए, मुझे लगता है कि मदर्स को ना सिर्फ इस तरफ मेहनत नहीं करनी चाहिए कि मेरे बच्चे को पकड़ के मुंह में डालें। उनको बहुत सारी समझदारी से थोड़ा सा ट्रिकी से काम करें, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो आपकी बातों में इजीली आ जाता है। वो अगर आप उसको कहें खाना का, वो कभी भी नहीं खाएगा। लेकिन अगर आप उसको बातों में, जैसे मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा, बच्चों को लालच देती हैं कि मैं तुम्हें फोन दूंगी, कार्टून दिखाऊंगी, बाहर लेके जाएंगी, ये खिलाऊंगी अगर ये खाओगे तो। मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, बाहर लेके जाना है कि बाहर घुमाने के लिए
लेके जाएंगे, पापा बाइक पे लेके, इस तरह के सारे सिनेरियोज होते हैं. मैंने यहाँ तक भी देखा हुआ कि मेरी फैमिली में एक बच्चा है, उसको बटर बहुत पसंद है, तो वो इतना बटर खाता है कि उसकी मदर ने अब उसका सारा जितना भी फूड है ना वो बटर के डब्बे में डाल दिया, कि उसको लगता है कि अब मेरे मुंह में बटर आ रहा है. तो उसकी मदर उसको बेसिकली उसको कोई सिरेलैक या कोई भी जो उन्होंने प्यूरी बनाई हुई होती वो उसको खिला देते हैं, वो एकदम से कहता है कि मेरे मुंह में किस किस्म का टेस्ट आए. लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ही डेवलप होना शुरू हो गया, उसका टेस्ट बट डेवलप होना शुरू हो गया, उसने खाना शुरू कर दिया. तो मदर उसको बहुत ही मतलब एक आर्टिस्टिक वे में सारे काम, ये बहुत मुश्किल चीज है, कंबाइंड एफर्ट की बात अकेली मदर नहीं कर सकती. फादर का भी उतना ही रोल है इसमें, ग्रैंड पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है, थोड़ा थोड़ा करके सारे खिलाते हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा है ना, दिन के आखिर है बच्चे का जो है वो क्या है, इनटेक था. तो दिन के आखिर में इनटेक तभी अच्छा होगा जब आपकी कंबाइंड एफर्ट होगी, मदर खिलाए फलाना, मतलब बहन भाई ने खिला दिया, ग्रैंड पेरेंट्स ने खिला दिया, फादर ने आगे कुछ दे दिया, तो ये कंबाइंड एफर्ट है. तो इस तरह से खिलाएं तो आपको ज्यादा इजी रहेगा. ठीक है, अगला सवाल हमारा है वो अरकम अजीज का. उन वो कह रही है कि माई सन इज 8 ईयर ओल्ड और वो डेफ एंड म्यूट है, और वो कह रही है कि वो अच्छे तरीके से मील नहीं लेता, वो बहुत परेशान है इस हवाले से कि वो खाना शायद चाहता है, अक्सर वो कुछ खाना चाहता है लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि वो क्या कह रहे हैं क्या. तो इस सिलसिले में इसकी तो थेरेपीज होती हैं प्रॉपर, आपके वो बकायदा इनकी थेरेपीज होती हैं बच्चे की और मदर के साथ होती है, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग का जो बीच में कम्युनिकेशन बैरियर है वो ठीक हो. इसके लिए तो आपको आई एम श्योर आपको थेरेपी का किसी ने ज़रूर कहा होगा, क्योंकि अगर एज का बताइए आपने, एज उन्होंने मेंशन 8 ईयर्स नहीं, इसकी तो थेरेपी होगी. जो कम्युनिकेशन बैरियर है ये ज़रूर इम्प्रूव करना पड़ेगा बच्चे के और आप में और बच्चे में पेरेंट्स में, तो ये इसके लिए थेरेपीज होती हैं, वो ज़रूर करवाएं बच्चे की भी, ताकि उसको बताना आए. और उसमें बड़ा इजी होता है, बच्चे को समझ आ जाती है सारे फूड्स, ये फूड्स हैं, ये वेजिटेबल है, मुझे ये चीज़ चाहिए. समटाइम्स उसके फ्लैश कार्ड्स दे दिए जाते हैं, समटाइम्स उसके मॉडल्स दे दिए जाते हैं. तो आप ये वाली जो थेरेपीज हैं ये बड़ी ईजी, शहर आपका कौन सा है, लाहौर में तो बहुत ईजीली अवेलेबल है. उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन लाहौर कराची बड़े शहर में तो ये चीज़ें हैं. तो डू ज्वाइन दीज थेरेपीज, एक ग्रुप सेशन होते हैं ये ज़रूर लें. बच्चे आपस में बच्चों में बैठते हैं तो उनको ये चीज़ सिखाई जाती है, क्योंकि ऐसे बच्चों में कम्युनिकेशन बैरियर होता है. तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये चीज इजीली हो सकती है रिजॉल्व, बस आपको थेरेपी लेने की जरूरत है ताकि कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो रिजॉल्व हो. ठीक है, यहाँ पे अमारा का सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. माई बेबी एज इज 14 मंथ्स ओल्ड इन, और उसके कह रही कि अभी तक उसके दांत नहीं आए हैं और वो कुछ खाती नहीं है, गम्स तो फूल गए हैं, काइंडली गाइड मी अबाउट इट. अच्छा, इसके लिए तो आपको पीडियाट्रिशियन को चेक करवाना पड़ेगा. गम्स फूल गए हैं ऐसे आपका क्या मतलब है, किस तरह से हैं? तो फूल गए एज इन स्वॉलन है वो, क्योंकि ये चीज़ आपको कुछ चीज़ें होती हैं वो फिजिकली चेक करवानी पड़ती हैं. कंसल्ट अ पीडियाट्रिशियन आपके एरिया में जो भी है, उनको दिखाएं, एग्जामिन करवाएं. कि आप कुछ लोगों के कुछ बच्चों में माइलस्टोन्स थोड़े से लेट अचीव होते हैं, तो ये इतने इशू वाली बात नहीं होती. कुछ लोग लेट, कुछ बच्चे लेट बैठते हैं, कुछ बच्चे लेट टीदर्स होते हैं, कुछ बच्चे चलना फिरना लेट शुरू करते हैं, तो मुश्किल वाली बात है, मसले वाली बात नहीं है. पर इसको ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि समटाइम्स माइलस्टोन टाइम पर अचीव ना होना कोई इशू की तरफ भी जो है सिग्नीफाई कर रहा होता है, तो इंडिकेट करता है. तो आप प्लीज़ चेक ज़रूर करवा लें इस चीज़ को. ठीक है, यहाँ सैम का सवाल है कि व्हाट अबाउट सिरेलैक एंड बेबी फूड अवेलेबल इन मार्केट. अच्छा, सिरेलैक जो है स्टार्ट में देखें, यू कैन इजीली मेक सिरेलैक्स वगैरह जो चीज़ें हैं एट होम. यू बट यू कैन डू इज यूज फार्मूला मिल्क जो बच्चा ऑलरेडी ले रहा है, उसके अंदर चावल जो है वो बना के ब्लेंड करके आप दे सकते हैं. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपका जो फार्मूला मिल्क है आप उसको बॉयल नहीं करते, आप फार्मूला मिल्क को सिर्फ मिक्सिंग की हद तक रखेंगे. इंटरनेट पे कुछ अर्से पहले मुझे कुछ सर्च के सिलसिले में थोड़ा इंटरनेट पे इस टॉपिक पे सर्च करनी पड़ी, और मैंने देखा बहुत लोगों ने वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बकायदा कुकिंग कर सकते हैं फार्मूला मिल्क में, बकायदा कुकिंग कर सकते हैं आप जो है ब्रेस्ट मिल्क में. नो, ये चीज़ गलत है, आप उनको कुक नहीं करते, आप उनको सिर्फ मिक्स कर सकते हैं. जैसे मैं स्टार्ट में बिल्कुल बताया था कि प्यूरीज होती हैं, उसके अंदर आप उसको डायल्यूट थोड़ा सा करने के लिए आप उसमें या तो स्टरलाइज्ड वाटर यूज़ करेंगे, बिल्कुल बॉयल्ड और स्टरलाइज्ड वाटर, या आप उसके अंदर फार्मूला मिल्क यूज़ करेंगे. इसका मतलब ये नहीं था कि आप डालेंगे उसको हीट करेंगे और पकाएंगे, आप उसमें जो है हल्का सा डायल्यूट करने के लिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फार्मूला मिल्क जो है वो ऐड करेंगे, राइट. और जो है सिरेलैक वगैरह चावल का, अभी तो 6 मंथ्स में तो आप चावल कर देते हैं, वीट का आप आफ्टर 8 मंथ्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो चावलों का चावल वाला लेट से, तो उसको भी आप इजीली बना सकते हैं. आप चावल बनाएं और उसके अंदर कोई फूड डाल दें, उसको अच्छे से ब्लेंड कर दें, फार्मूला मिल्क ऐड कर दें ठंडे वाले सीरियल, उसमें सीरियल में फार्मूला मिल्क ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे बना सकते हैं. आपको और पतला चाहिए तो आप स्ट्रेनर से उसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेन होगा नीचे से बिल्कुल लिक्विड आ जाता है, तो आप इस तरह से दे सकते हैं. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू मेक दीज सीरियल्स एट होम. तो अगर आप स्टार्ट
स्टार्ट में अगर आपको ये बनाना मुश्किल लगता है तो टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए थोड़ा ऑप्शन इज नॉट दैट बैड, पर बेहतर है, अगेन वही चीज बेहतर है आप घर की चीजों पे आए, वो ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होती है, वो ज्यादा बेहतर होती है बच्चे के लिए. यहाँ पे सवाल हुए हैं कि भूख बढ़ाने वाले वो जो सिरप्स की बात पूछी है, हमारे पास अभी भी आपने जैसे कि बताया कि वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है कि वन मंथ करेंगे, टू मंथ करेंगे, उसका बॉडी भी मुझे लगता है इम्यून हो जाएगी, बॉडी इम्यून हो जाती है. देखिए जितने भी आप बड़े हैं, अब आप बड़ों की बात करें, आप छोटे की बात करें, जो मल्टी वाइटामिन्स है ये चीजें, इनसे बॉडी एक हद तक आप जो अगर आप बहुत डेफिशिएंट है तो आपको फायदा देगी. जैसे ही और आप डेफिशिएंसी के टाइम पीरियड से उस स्लॉट से बाहर निकल आओगे, उसके बाद वो चीज आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी. बॉडी हर चीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है, हर चीज की एक स्पेसिफिक हद तक एब्जॉर्प्शन होती है. और यहाँ मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करती चलूं, बेशक बड़े हैं बेशक छोटे बच्चे हैं, मल्टी वाइटामिन्स जो है वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है. जो असल एब्जॉर्प्शन की चीज होती है वो आपकी नेचुरल फूड से आती है. अल्लाह ने हमारी जो बॉडी बनाई है ना, जिस तरह से नेचुरल फूड हमें अच्छे ज्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्ब होते हैं, और जो बाकी जो आपके फूड्स होते हैं ये बाजार वाली चीजें और मल्टी वाइटामिन्स या जिस तरह सीरियल्स मिलते हैं आपको, एडेड विटामिन डी, एडेड आयरन के सीरियल्स मिलते हैं, फोर्टिफाइड चीजें सारे जो हैं, फोर्टिफाइड जूसेस होते हैं, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है. इनकी एब्जॉर्प्शन उस तरह से नहीं होती. आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो है सबसे अच्छी नेचुरल फूड की होगी. एब्जॉर्प्शन को मैं जरा उर्दू में डिफाइन करते चलूं, जो हम बात करते हैं हजम हुई चीज के नहीं हुई, हजम के बाद जिस्म जो जिस्म में आपके खुराक लगी के नहीं लगी वो एब्जॉर्प्शन होती है. तो आपकी जिस्म में खुराक वही लगेगी जो आप नेचुरल सोर्स से ले रहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म ही ऐसा बनाया है. अगर मल्टीविटामिन्स इतने अच्छे होते तो नेचुरल फूड्स अल्लाह क्यों बनाते, ठीक है. ये बड़ा एक कॉमन सी चीज है कि अगर मल्टीविटामिन्स इतने अच्छे होते या तो दरख्तों में मल्टीविटामिन्स की गोलियां होगा करती, हम वो खाते और काम खत्म हो जाता है, राइट. सही है, क्योंकि बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आते हैं, मैं सबको एग्जाम्पल जरूर देती हूँ कि ये ड्रिप्स लगवा लेना, इंजेक्शन लगवा लेना, आप रूट कॉज नहीं निकाल रहे. बहुत से बच्चे एनेमिक होते हैं, उनको मल्टीविटामिन्स दे देना, आप आयरन के सिरप दे देंगे, टेबलेट्स दे देंगे, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है. चाहे आप बच्चे हैं चाहे आप बड़े हैं, आप में कोई डेफिशिएंसी आई आपको डाइट से जो है वो पूरी करनी पड़ेगी. स्टार्ट में वो हेल्प करेंगे, यस इट हेल्प्स अ लॉट एकदम से डेफिशिएंसी बेहतर करने में, सिम्टम्स आपके बेहतर हो जाते हैं, पर ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है. लॉन्ग टर्म जो आपकी बॉडी को खुराक लगेगी वो नेचुरल खुराक है जो अल्लाह ने पैदा की है. हम लोगों ने जब पिछली बार मरहम के पेज पे भी इस तरह बच्चों के हवाले से वो हुई थी, लाइव सेशन हुआ, तो उसमें भी डॉक्टर आपसे बिल्कुल एग्री कर रहे थे, वो भी मतलब सिरप्स पे नहीं आने दे रहे थे, वो भी यही मतलब बता रहे थे उनके पास पेशेंट्स आते हैं, उनका पहला यही हर मदर का पहला सोल्यूशन होता है कि चलिए वो नहीं खा रहा तो हम उसको सिरप दे देते हैं तो हो सकता है मेरा बच्चा खाने लगे. तो वो भी इस चीज से मतलब हटाने की कोशिश कर रहे थे. नेचुरल नेचुरल वे बिल्कुल भी नहीं है. आप जब भी सिरप्स और दवाइयों पर लाएंगे, चाहे आप बड़े की बात करें या बच्चे की बात करें, टेम्परेरी आपको फायदा होगा, आपका महीने दो महीने बाद बच्चा वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा. तो जो आपका जो इशू जो आपका रिजॉल्व होना है वो आपका घर से होना रिजॉल्व, ठीक है. यहाँ लैला का सवाल है कि मेरे ट्विन बेबीज हैं 2 इयर्स के, बट वो खुद खाना चाहती है बट वो खाती नहीं है और सारा गिरा देती है. अच्छा, गिरा देती है बच्चे खाना, बच्चे जब भी खाना खाते ना, जिसमें मैंने स्टार्ट में बात मेंशन की थी कि बच्चे को जवाब दें तो जरूर देखें उन्होंने खाया कितना, गिराया कितना. ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे गिराते हैं, देखिए ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप उनको रोक नहीं सकते, बड़ी नेचुरल सी चीज़ें. बच्चे का खाना गिरा देना, बच्चे का खाने में हाथ मार देना, मैं वैसे चीज़ें बिलीव करती हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा ओपन से इन्वायरमेंट देना चाहिए. आई एम अ मदर माई सेल्फ, वेन एवर आई ट्राई टू फीड माई किड, तो मैं उसके सारे कपड़े शपड़े उतार के उसको ना बिल्कुल चीज़ों से दूर रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसने हाथ मारना है, इट्स नेचुरल. वो हाथ मारते बाद में यू नो ही लिक्स हिज ओन हैंड. बच्चे के नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं. उसका दिल करता है चीज़ पकड़ने का, उसको छीनने का और गिराने का. एक और चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करती चलूँ, ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड है इन अ लॉट ऑफ बुक्स. अभी आप बच्चों का टॉपिक खोलें ना न्यूट्रिशन की बुक्स में, तो उसमें ज़रूर लिखा होता है डोंट फोर्स फीड अ चाइल्ड. जब आप बच्चे को, बच्चा खा रहा है ना और आपसे बाबा कह रहे हैं डोंट टच दिस, डोंट टच दैट, डोंट ग्रैब द स्पून फ्रॉम मी, ना छेड़ो वो ना छेड़ो, बच्चा चिढ़ जाएगा. द मोमेंट बच्चा किसी चीज़ से भी चिढ़ता है, वो उस चीज़ से जो है वो ऑफेंड होकर वो काम वो नहीं करेगा. खुराक बिल्कुल ऐसे ही आती है, जहां आपने बच्चे को थोड़ा सा भी रिस्ट्रेन करने की कोशिश की ना, पकड़ने की कोशिश की, या दबा के पकड़ के जी खाओ और फोर्स फीड करने की कोशिश की, वहां बच्चा चिढ़ जाएगा. बच्चों ने चीज करनी है, बच्चों ने गंद फैलाना है, बच्चे ऐसे करेंगे नेचुरल चीज़ उनके अंदर, इट्स वेरी नेचुरल. इट्स अ हेल्दी थिंग टू कि वो अट्रैक्ट हो रहा है चीज़ की तरफ. आज वो अट्रैक्ट हो रहा है, कल को जब उसको स्पून हैंडलिंग आएगी वो खुद खाना चाहेगा, वो खुद खाना शुरू कर देगा. इसलिए बच्चे को खुला एनवायरमेंट दें, बच्चों के कपड़े शपड़े उतारें, गर्मी का मौसम उनको मैंगो की गुठली पकड़ा है कि बच्चे 2 साल के हैं तो माशाल्लाह वो आराम से पकड़ लेंगे दोनों एक दूसरे को. और ट्विन्स में तो बड़ा मजा आता है, दोनों एक दूसरे को देख के खा रहे होते हैं, तो वैसे एनवायरमेंट बना हुआ होता है. एनवायरमेंट तो आपको बनाना मसला ही नहीं है, आपने एक एनवायरमेंट
अपार्टमेंट बनाया, दूसरे ने देखा देखी खा लेना है। तो ट्विंस मतलब बड़े मजे की चीज होती है, तो आप उनको जरा खुला एनवायरमेंट दे, टेंशन मत ले कि आपका सोफा गंदा हो रहा है, क्या चीज गंदी हो रही है, कोई कॉर्नर बनाए घर में जिसके आसपास कुछ भी ना हो, सिर्फ वहां पे कोई कोई चीज बिछाए, उस पर बच्चे बिठाए और बच्चों को इस तरह थोड़े से फ्री माहौल में खिलाए, बच्चा गिराएगा, गिराने की टेंशन मत ले। अच्छा, यहाँ पे सादिया ने सवाल किया हुआ कि किस एज में बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस, मतलब सॉलिड फूड में घर से बात करें, सिक्स मंथ्स। यमुना ने पहले बता दी स्टार्ट में कि सिक्स मंथ्स है, तो अगर आप दोबारा लाइव सेशन देखेंगे तो डेफिनेटली यू गेट योर आंसर। अच्छा, यहाँ पे बात की हुई कि बच्चों के पेट में वो जो कीड़े होते हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो हम कैसे उसको बहुत से बच्चे ऐसे जो नहीं खाते प्रॉपर, या उनको बीमार थोड़े से रहते हैं, या थोड़े लिथार्जिक रहते हैं, अगर ये वही वाली चीजें जो मैंने आपको बताई, खाना एब्जॉर्ब अगर ठीक तरह से ना हो, अगर खाना एब्जॉर्ब ठीक ना हो बॉडी में, तो बच्चे इंटरनली जब वीक होते हैं तो वो तंग करते हैं। और अगर लेट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वो बच्चे जो खाना खा रहे हैं बट यू डोंट फील द चेंज इन देम, यू डोंट फील द एनर्जी लेवल बूस्टिंग अप, आपको लगता है बच्चे वहीं के वहीं, आप खिला भी नहीं है, बच्चों में एनर्जी नहीं आ रही, तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं। कीड़े होना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इसके सिरप्स मिलते हैं, मैं सिरप का नाम यहाँ नहीं लूंगी, पर इसके सिरप्स मिलते हैं, आप पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, आपको सिरप लिख देंगे, वो सिरप आप पिलाएं। बच्चे की जो है बॉडी एवरी सिक्स मंथ्स डीवर्म करना इज वेरी गुड, एक साल के शुरू में कर दें, एक छठे महीने में कर दें, तो आप करते रहें ऐसे, तो कीड़े निकलेंगे, आपको पता चल जाएगा कीड़े निकालना, इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एक सिरप के बाद वो सारे निकल आते हैं, आपको खुद नजर आएंगे, यू कैन विजिबली सी देम। अच्छा ठीक है, यहाँ सदफ ने सवाल किया कि उनका बच्चा मीट नहीं खाता, तो उसका कोई और अल्टरनेटिव, मीट नहीं खाता, अच्छा आप बेसिकली दो साल के आप बेसिकली प्रोटीन की बात, अच्छा मीट में क्या है, चिकन, बीफ, मटन कुछ भी नहीं है, दालें बस उन्होंने मेंशन किया कि वो मीट नहीं खाता, बेसिकली गोश्त नहीं खाता होगा, तो प्रोटीन के कोई और प्रोटीन के और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, बल्कि इसमें एनीमिया का एक क्वेश्चन था हमारे पास, हम उसको भी एड्रेस करूंगी मैं, क्योंकि बहुत से बच्चे एनीमिक भी होते हैं। जब प्रोटीन की बात आई, चूंकि हम प्रोटीन के टॉपिक डिस्कस करने लगे, इसलिए मैं एनीमिया भी साथ ही डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि एनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनीमिया के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, अगर आपका बच्चा उठता है और लेथार्जिक होता है, चीज में दिल नहीं लगता, सोने की बार बार करता है या वीक फील करता है वो, तो बहुत चांसेस हैं कि आपका बच्चा एनीमिक हो, तो उसके लैब टेस्ट वगैरह जरूर करें, लैब टेस्ट में बहुत ईजिली एनीमिया आ जाता है। और अब एनीमिया क्योर कैसे करना है, एनीमिया मतलब आयरन डेफिशिएंसी। अब आयरन और प्रोटीन साथ साथ की बातें हैं, वो इस तरह से प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका बच्चा अगर ग्रो कर रहा है तो आपके बच्चे को ग्रो करने के लिए फैट्स की ज़रूरत और तरह से है, कार्ब्स की ज़रूरत और तरह से है, पर जो आपका जो मसल बिल्डिंग है, जो टिश्यू बिल्डिंग है, वो आपकी प्रोटीन करती है। प्रोटीन का मुतबादिल और कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये तीनों चीज़ें ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये तीनों चीज़ें जो इनका ना कोई अल्टरनेट कोई भी नहीं है। आपको ये आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको बच्चा प्रोटीन नहीं ले रहा तो आपको चलो कोई बात नहीं, प्रोटीन नहीं ले रहा, कार्ब्स खा रहा है ना, ऐसा आपने कभी भी नहीं करना बच्चे में, बच्चा इंटरनली वीक हो जाएगा। तो आपने तीनों ये जो न्यूट्रिएंट्स है बैलेंस करने हैं। अब प्रोटीन आपने कैसे बैलेंस करना है, अगर आपका बच्चा मटन नहीं खाता या बीफ नहीं खाता, आप चिकन दें, आपका बच्चा चिकन नहीं खाता, आपके पास फिश है, आपका बच्चा फिश नहीं खाता, आपके पास दालें हैं, आपका बच्चा दालें नहीं खाता तो आपके पास अंडा है, तो ये प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। इवन प्रोटीन आपके फ्रेश मिल्क में भी होती है, पर सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है, एडवाइजेबल जो बात है, वो ये है कि आप जो है मीट सोर्स से प्रोटीन देने की कोशिश करें। यहाँ में एक और बात थोड़ी टिप ही है और काफ़ी बच्चों पर वर्क कर जाती है, जब आप बच्चों को देते हैं ना बोटियाँ, ये लो बोटी चिकन की, ये लो खाओ, या मटन की या बीफ की, बच्चा नहीं खाएगा बोटियों से, बच्चे मुझे लगता है ये कि नेचुरली ऑफेंड ही चल रहे हैं आजकल पाकिस्तान के बच्चों को, चबाना पड़ता है, चबाना पड़ता है, क्या रीजन है, जान लगती है, बच्चे कहते हैं इतना या नहीं खाते। कबाब्स और नगेट्स वगैरह, होममेड की मैं बात कर रही हूँ, होममेड कबाब, होममेड नगेट्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन। इवन आप चिकन कबाब में थोड़ा सा मटन मिक्स कर देंगे ना, बच्चे को नहीं पता चलता, आप बीफ में चिकन मिक्स कर देंगे, बच्चे को नहीं पता चलता, अनलेस यू टेल द बच्चा योरसेल्फ कि नहीं मैंने तो आज बड़ी टेक्निक लड़ाई है, मैंने मटन बनाया, बटर अगर ना सुनते साथ ही बच्चा भाग जाएगा कि मटन डाला हुआ कबाब के अंदर। डोंट टेल योर किड्स, आपको कोई भी ऐसी चीज आप करें बच्चों को बताने की कदम जरूरत नहीं है कि मैंने इसके अंदर क्या किया हुआ है, बच्चों का कबाब बना के दें और उसके अंदर ये मिलावटें आप कर सकते हैं, ठीक है। और एग आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, प्रोटीन आपका चीज के अंदर भी है। अच्छा, इसको मैं एनीमिया के साथ लिंक कैसे करूंगी कि एनीमिया में आपको आयरन चाहिए होता है, और आयरन का जो रिचेस्ट सोर्स है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, आपने बहुत दफा सुना होगा, मैं तो कहती हूँ जो कार्टून थे ना पॉपाया सेलर मैन, उन्होंने मत मार दी सबकी, सबको लगना शुरू हो गया प्रोटीन इज पालक, पालक का प्रोटीन जो है वो सबसे अच्छा प्रोटीन होता है, सॉरी पालक का आयरन है वो सबसे अच्छा आयरन है, और वो खा के आप स्ट्रांग हो जाओगे, हो जाएगा वो हो जाएगा। इंसानी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो इस तरह से बनी है, यस मैं ये डिनाई नहीं कह रही कि पालक में आयरन नहीं है, पालक में आयरन है, पर उसका जो आयरन है हमारी बॉडी में अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता, यानी जिस्म को लगता नहीं, जो मैंने वर्ड पहले भी मेंशन किया था, आपकी बॉडी को जिस्म में आयरन लगेगा प्रोटीन सोर्सेज का, जो एनिमल प्रोटीन सोर्सेज हैं, एनिमल प्रोटीन में आपके पास मटन, बीफ, चिकन वगैरह ये आते हैं,
और उनमें भी रिच सोर्स है आपका जो है मटन और बीफ, आयरन उसमें चिकन में भी है, पर बेहतर है कि मटन और बीफ इस्तेमाल किया जाए अगर बच्चा ज़्यादा डेफिशिएंट है, ज़्यादा एनेमिक है। और वही बात आप उसको देंगे कबाब के फॉर्म में दें, नगेट्स की फॉर्म में दें, ड्रम स्टिक्स की फॉर्म में दें, डू समथिंग क्रिएटिव विद द मीट, ठीक है। अगर आप उसको बोटियाँ देंगे बच्चा बोटियाँ नहीं खाएगा, ये जीरो ईयर से मतलब सिक्स मंथ से लेके बड़े बच्चे तक भी, टीनएजर से भी मसला होता है, टीनएजर्स भी मैंने एनेमिक देखा, एनीमिया इज ऑन द राइज बहुत ज्यादा, मुझे समझ नहीं आती क्या इशू जो चल रहा है इसके पीछे। मैंने काफी इन्वेस्टिगेट भी किया और एक केस में तो मुझे ये पता चला कि पेरेंट्स से मैंने, जब उनके पेरेंट्स से मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री ली, बच्चा वॉज सिटिंग राइट बिसाइड द मदर और मैं मदर से हिस्ट्री ले रही थी कि आप मटन बिल्कुल नहीं बनाती है, वो कहती है हमारे घर में तो बनता ही मटन है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्यों, अगर मटन बनता है वो खा रहा है, अगर उन्होंने खा, कहती खाती भी है मटन, मटन बनता भी है, स्टिल शी इज एनेमिक। उसकी रिपोर्ट्स बच्ची की अच्छी खासी खराब थी, वो ओ लेवल्स की स्टूडेंट थी और ओ लेवल्स एक अच्छा खासा बड़ा ग्रेड होता है। तो कहने का मतलब ये एनीमिया वो किसी भी एज में हो सकता है, छोटी एज में भी, बड़ी एज में भी। और फिर बच्ची सुनती रही, बात सुनती रही, चूंकि वो थोड़ी खुद सेंसिबल थी, उसने मुझे बताया, कहती नहीं मैं मटन तो खाती हूँ, मैं शोरबे के साथ रोटी खा लेती हूँ। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि बच्चे का खाना देखिए बच्चा खा क्या रहा है, आपने ट्रे डाल ट्रे में डाल दिया। ये बात मैंने विनिंग वाले जो बच्चे थे उनमें भी मेंशन की थी, आपने बच्चे को चीज पकड़ा दी पर जरूर देखें बच्चे ने खाई कि नहीं खाई, बच्चे का खाना इज इंपॉर्टेंट। मदर्स बच्चे को बोटियां डाल देती हैं, कोफ्ते शोफ्ते डाल देती हैं, बच्चा मसाले से रोटी खा के ये जा वो जा, और उसके बाद रिपोर्ट्स में निकलता है बच्चा तो अच्छा खासा एनीमिक है। तो एनीमिया के लिए एनिमल प्रोटीन सोर्सेज आर अ गुड ऑप्शन, आप पालक पर रिलाय ना करें, या कोई भी हम गूगल करते हैं निकल आती चीज़ें फलाने में आयरन फलाने में आयरन, तो मैं आपको पहले ही बता दूं गूगल की हर बात पर यकीन नहीं करते, उसमें आयरन लिखा तो हुआ है पर हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, वो आयरन है उसके अंदर, उसे डिनाई नहीं मैं कर रही, आयरन है पर आपकी बॉडी को लगेगा नहीं, बॉडी का बॉडी उसको कह लें इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी साइंस है कि क्या रीज़न है बिहाइंड इट, पर आसान अल्फाज में आपने एनिमल प्रोटीन पे रहना है, आपने जो पालक शालक और ये जो और चीज़ें लिखी हुई हैं, सेब में आयरन है, नहीं होता आयरन उसके अंदर, सेब पी जूस पीते हैं, चुकंदर पिया, चुकंदर इवन जब भी आयरन की बात होती है पेरेंट्स कहते हैं मैं खजूरें दे रही हूँ, मैं सेब का जूस भी दे रही हूँ, मैं चुकंदर भी खिला रही हूँ, मैं पालक भी दे रही हूँ, आयरन इंक्रीज़ नहीं हो रहा। आयरन इंक्रीज़ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप उसको मीट नहीं दे रही, आपने जो चीज़ है वो ही राइट जो चीज़ थी राइट ऑप्शन थी वो आपने नहीं दी, इसलिए बच्चे का वो जो है आयरन लेवल्स जो है वो डिप्लीट है अभी भी और वो भी इम्प्रूव नहीं किए। तो बच्चों की डाइट में ज़रूर देखें प्रोटीन होनी चाहिए, ग्रोइंग एज के बच्चे को प्रोटीन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, छोटी एज का बच्चा है वीनिंग एज का है तब भी आपने उसको यखनी वगैरह दें और देसी जो मुर्गी है उसकी यखनी दें, इट्स वेरी गुड एंड वेरी हेल्दी फॉर किड्स। अच्छा ठीक, आपने वो जो एनिमल सोर्स की बात की तो जो एग्स हैं वो किस सोर्स में आते हैं, उसको किसी भी फॉर्म में जो है एग तो बहुत अच्छी चीज है प्रोटीन इंक्रीज करने का बॉडी में, चीज ऑमलेट्स मुझे बड़े अच्छे ऑप्शन लगते हैं, वो रिच ऑफ चीज आपका जो ब्रेकफास्ट है वो रिचेस्ट बनता है आपका प्रोटीन में, आपको उसके अंदर अंडा भी है और आप उसको चीज दे रहे हैं, आपको एक अच्छे अमाउंट का फैट मिल रहा है बच्चे को और एक अच्छे अमाउंट का प्रोटीन मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन और खाने में भी इतना हैवी नहीं लगता पेट को। बच्चे इस चीजों से भी तंग करते हैं कि जो चीज आपने खाई है वो स्टमक में ज्यादा देर स्टे करती है ना, या डाइजेशन में थोड़ा सा तंग करेगी बच्चे को, बच्चा चिढ़ जाएगा कि मैंने नहीं खाना मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सो यस इट्स वेरी कॉमन, जब बड़े लोग भी छोड़ देते हैं जो चीज़ हमें डायरेक्शन में तंग करती है तो बच्चा तो फौरन से छोड़ देगा, क्योंकि बच्चे में टॉलरेंस नहीं होती, तो आपने ये चीज़ जरूर देखनी कि बच्चे में टॉलरेंस नहीं है, तो बच्चे को तंग नहीं करना इस चीज़ को लेके, तो बच्चे को आसान चीज़ें जितनी देंगी, एक छोटी सी टिप है बच्चे को जितनी छोटी चीज़ से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे बच्चा उसमें खुश है, बच्चे ज़्यादा नहीं खाएंगे, बच्चे पूरा पूरा पराठा खाना प्रेफर नहीं करते, बच्चे कहते हैं भाई आधी रोटी में कुछ चला जाए फौरन से, गया तो गया नहीं तो मैं भी चला गया उठ के टेबल से, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है, इतना सा पोर्शन है, इतने से पोर्शन में कुछ खिलाएं उसको, आपने खिला दिया तो बच्चे का काम हो गया, नहीं तो बच्चा उठ जाएगा 15 मिनट बाद टेबल। हमें न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स दें अपने जो है, मैंने जो वही बात बताई कि जो मैंने फाइव फूड ग्रुप्स बताए, बच्चे का जरूर दिखें बच्चे के एट द एंड ऑफ द डे क्या वो फूड बॉडी में गए कि नहीं गए, जब आप वो लिस्ट बना लेंगी चार दफा आपको जरा लिस्ट बनानी पड़ेगी, थोड़ा नोट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको खुद ही आदत हो जाएगी। जैसे मैं एक जर्नल से डाइट प्लान बताती हूँ बड़े बच्चों के लिए, जो आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीन मील्स तो आपके आने ही आने हैं, इनके टाइमिंग्स फिक्स करें, बच्चे के खाने की आदत बन जाएगी। आपका जो ब्रेकफास्ट है वो प्रोटीन रिच होना चाहिए, आप बच्चे को मिल्क शेक दें और आप बच्चे को चीज ऑमलेट दे दें, ये बड़ा इजी रहता है स्टमक के ऊपर, मिल्क शेक रास्ते में जाते जाते उसने पी लिया जो है ऑमलेट जो है चीज़ ऑमलेट वो उसने उसी वक्त घर में खा लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बच्चा उनमें से अगर थोड़ी थोड़ी सी उसको ज़्यादा भूख लगती है तो वो साथ ब्रेड भी ले लेगा थोड़ी सी, वरना बच्चे इतना नहीं लेते। मैंने मिनिमम ऑप्शन बताइए, कम से कम आप उसको ये दे सकते हैं अराउंड 11 बच्चे को ना एक पैकेट बना के ना एक हफ्ते घर में रख लें, पॉलीथिन बैग्स मिलते हैं बाजार से बड़े प्यारे प्यारे, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स मिक्स डालें, बच्चे को दें, पैक किया सील के बच्चे को दे दिया, बेटे आपने ना लंच ब्रेक जो है या शॉर्ट ब्रेक जो भी होती है आपने उस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स खाने, बच्चा वो ड्राई फ्रूट्स खा लेगा, ड्राई फ्रूट्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन।
मतलब कल भी किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने कमेंट्स पढ़े थे, उन्होंने लिखा हुआ था कि हम बच्चे को अंडा दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती, ड्राई फ्रूट दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती, गर्मियों में आप दे सकते हैं इन चीज़ों का, ये सीजनल चीज़ें नहीं हैं, ये थ्रू आउट आप यूज़ करते हैं, बस ये है कि इनका एक ट्रेंड के तौर पे आप कह लें कि हमारे पाकिस्तान में ट्रेंडी चीज़ है थोड़ी सी कि फ़िश जो है वो सर्दियों में हम खाते हैं, हम जो है ड्राई फ्रूट भी सर्दियों में खाते हैं, एग को योक लेना पसंद नहीं करते, बड़ों की और बात होती है, हम यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए योक इज़ वेरी वेरी गुड, अगेन वही बात कि तीनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं कार्ब्स प्रोटीन्स एंड फैट्स बच्चों की ग्रोथ में ऑल टुगेदर इन तीनों का इकट्ठे कलेक्टिवली काम आना है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों को हर चीज दें और जरूर मेजर करके रखें कि आपने कितना दिया है। तो तीन मील्स के बाद बच्चों को जो स्नैक टाइम्स हैं, तो स्नैक टाइम पे जरूर ये नोट रखें, स्नैक टाइम आपका प्रोटीन बेस्ड ही होना चाहिए, आप स्नैक टाइम प्रोटीन बेस्ड कर देंगे तो बाकी दिन आपका खुद ही मैनेज हो जाएगा। बच्चे रोटी चावल खा लेते हैं, दैट मीन्स कार्ब्स मिल गए, आपका खाना जो है वो तेल में बन रहा होता है, बच्चे को ऑयल मिल गया, फैट्स मिल गए, आपने ड्राई फ्रूट्स दे दिए बच्चे को, फिर फैट्स मिल गए, मसला आएगा आपको प्रोटीन में, आपका बच्चा सही से ग्रो नहीं कर रहा, बाल खराब है, बालों का टेक्सचर खराब है, आपके प्रोटीन खराब है बॉडी में, बच्चा एनीमिया में गया आपके प्रोटीन खराब है बॉडी में, तो आपके जो स्नैक टाइमिंग है उसमें आपने कोशिश करना है कि आपका प्रोटीन बेस्ड ही स्नैक हो, नगेट्स हो सकते हैं उसके अंदर, उसके अंदर मैंने बताया जिस तरह ड्रमस्टिक्स हो सकते हैं, ड्रमस्टिक अलग है, चीज़ वही है कीमे के अंदर मसाला है, आप कबाब बना के दे देंगे और डेली कबाब देंगे बच्चा चिढ़ जाएगा, आप दो थोड़े दिन बाद उसको ड्रमस्टिक की फॉर्म में बना दें, जैसे पॉप्सिकल स्टिक्स मिलती हैं आजकल ये चीज़ें, ये सिर्फ क्रिएटिविटी की बात है, स्टिक्स मिलती हैं जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं या आपको इजीली किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएंगी, वो आप बना के दें, उसके ऊपर थोड़ा सा वही कीमा लगा दिया, फ्राई कर लिया, बच्चा ले लेगा, वो फैंसी चीजें बच्चे पसंद करते हैं, बल्कि ये वाली चीज बच्चे लंच बॉक्स में ले जाना भी पसंद करेंगे, बच्चों को नॉर्मल जो देसी चीजें होती है वो ले जाना ऑनेस्टली मुझे लगता है कि पराठा अंडा दे दें तो आप पराठा अंडा नहीं दे सकते, हाँ आजकल के बच्चे पराठा नहीं खाएंगे, ठीक है। ये एक थोड़ी सी कुछ चीजें हमें बच्चों के लेवल पे आकर थोड़ी ट्रेंड में भी सोचनी पड़ती है, आजकल ट्रेंड में कौन से फूड्स है, बच्चा ट्रेंडी फूड्स खाएगा, बच्चा मैश पोटैटोस ले जाना बहुत पसंद करेगा, छोटे से बॉक्स में मैश पोटैटोस डाल देंगे, बड़ा खुश होगा ओके मेरी मॉम ने मैश पोटैटोस बनाया, हालांकि क्या इट्स आलू, बेशक उसको फ्राई कर दो, बेशक उसके चिप्स बना दो, उसकी डिफरेंट शेप्स, ये सिर्फ शेप की बात है, एग्जैक्टली। ये अच्छा वो जो स्माइलीज आए थे, स्माइलीज वगैरह बना देते हैं, वो जो गोल गोल होते हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा स्माइलीज कैसे बनाते हैं, तो स्माइलीज क्या है, वो आलू है, कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ चीज की शेप चेंज करनी है, बच्चा शौक शौक में खाएगा, बच्चे को शौक में खिलाना है, राइट, बिल्कुल ऐसे मतलब रिप्रेजेंटेटिव बनाना, तो हम भी रेस्टोरेंट जाते हैं, हमारी मम्मी कहती है ये तो मैं तुम्हें घर बना के खिला दूं, लेकिन वहां पे इतना खूबसूरती से वो आया होता है तो वाकई दिल करता है खाने का। अच्छा यहाँ एनी उमर का एक सवाल आया हुआ था, वो पूछ रही थी कि उनका उनकी जो बेटी है मतलब वो सब कुछ खाती है अच्छे तरीके से, फिर भी उसकी हाइट और वेट कम है। अच्छा आपकी बच्ची जो है एज क्या है, एक तो आपने एज नहीं लिखी एक चीज, दूसरी चीज ये कि जब तक प्यूबर्टी का टाइम पीरियड बच्चों पे नहीं आता तब तक परेशान होना बंद कर दे इस चीज को लेके, हाइट वेट को लेकर, वेट जो है अच्छी वेट आप 7 इयर्स की बेटी बताई हुई लेकिन वेट मेंशन नहीं किया। अच्छा नहीं जरूरी नहीं है कि बच्ची आपको अगर लग रहा है कि उसका वेट कम है तो वाकई वेट कम भी हो, गो टू अ पीडियाट्रिशियन, वो उसके ना ग्रोथ चार्ट वो चेक कर सकते हैं अपना, उसका एज वेट हाइट वगैरह लेके कि आपकी बच्ची का वेट एक्चुअली कम है या आपको वैसे कम लग रहा है। नॉर्मली एक बड़ा मिस्टेक है हम क्या करते हैं, हम बच्चों को ना कंपेयर करते हैं, एक बच्चा जरा अच्छे बिल्ड का होता है ये बिल्ड की बात होती है, किसका स्ट्रक्चर नेचुरली चौड़ा था किसका नहीं था, कुछ बच्चे बहुत अच्छा खाते हैं दे रिमेन स्लिम, वो स्लिम ही रहते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म या तेज होता है, तो बच्चे का जो है वेट कम होना, अगर वीक नहीं है ना बच्चा, बच्चा एक्टिव है तो फिर ठीक है, अगर वेट क्योंकि अगर मेरा ख्याल बच्चा एक्टिव है तो वेट उन बच्चों का कभी भी मतलब बिलो रेंज नहीं होता, अगर बच्चे का रेंज के अपने स्लॉट में आ रहा है तो इसका मतलब है कम नहीं है उसका वेट अच्छा है, उसका बिल्ड यस है। अब बाकी हाइट की बात, हाइट जेनेटिकली डिटर्मिंड होती है, जैसी मदर फादर की हाइट होती है वैसी ऑलमोस्ट बच्चों की हाइट होती है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि प्यूबर्टी के टाइम पीरियड में आने दें बच्चों को, थोड़ा सा टाइम इंतजार करें, बच्चों की हाइट इंक्रीज कर जाएगी। बहुत दफा ऐसे होता है कि स्टार्ट है बच्चे की हाइट बहुत छोटी होती है इवन प्यूबर्टी के टाइम पीरियड में भी और एकदम से इंक्रीज करती है, तो ये बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि अगर उसकी बड़ी बहन की हाइट जल्दी इंक्रीज हो गई थी उसकी भी जल्दी होनी चाहिए, उसकी तभी होगी जब उसका टाइम आएगा, तो टेंशन मत नहीं इस चीज़ की, बस डाइट उसकी अच्छी रखें, ठीक है। एनी ने यहाँ मेंशन किया कि वो उनका मतलब बेटा, शायद हमने गलती से बेटी बोल दिया होगा, उस मेंशन ही तो इस वजह से शायद। अच्छा मैं का सवाल है कि उनकी उनका 3.5 साल I have 1 3.5 years, अब मेंशन नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, और बताया हुआ है कि एक 5.5 साल का बच्चा है, और बता रही कि वो स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं तो ना खाएं
नहीं देने स्पाइसी मतलब क्या, आप क्वेश्चन थोड़ा एलैबोरेट करें. प्रॉब्लम इज दे डोंट ईट इवन लिटिल स्पाइस. अच्छा लिटिल स्पाइस, लिटिल स्पाइस थोड़ा सा भी नहीं खाते तो दैट्स फाइन. ये बच्चों की पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं कि वो स्पाइसी नहीं खाते, वो मीठा ज्यादा पसंद करते हैं, किस तरह का पसंद करते हैं मीठे में. बस आप ये देखें, आगे अगर किसी बच्चे को मीठा ज्यादा पसंद है तो बस ये देखें कि वो शुगरी चीज ना खाए, नेचुरल मीठा खा ले, शक्कर खा ले, गुड़ खा ले, फ्रूट्स खा ले. और अगर बच्चा लिटिल स्पाइस भी नहीं ले रहा तो दैट्स टोटली फाइन. बच्चा फीकी चीजें भी ले रहा तो देर इज नो इशू इन दैट, आप उनको वैसे ही बना सकते हैं. मसला ये है कि बच्चा कुछ खा ही नहीं रहा, वो खा रहा है, आप खुश हो आप बच्चा खा रहे हैं. इतने क्वेश्चंस मैंने अभी तक वो आंसर किए हैं कि बच्चा नहीं खा रहा. एग्जैक्टली हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस यही आ रहे हैं कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा. तो अब जब आप लाइव सेशन एक बार खत्म होगा ना, आप उसको दोबारा से देखिएगा. यमुना ने इस पर बहुत डिटेल में बात की है स्टार्ट में ही. अच्छा यहाँ पे बहुत तीन चार मैंने सवाल देखे कि फ्रूट्स नहीं खाते हैं, फ्रूट्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, फ्रूट्स एज क्या है. एज उन्होंने मेंशन नहीं की हुई, लेकिन ये है कि छोटे बच्चों की बात की हुई है. अच्छा देखें, अगर बहुत छोटा बच्चा होना तो एक चीज़ होती है, एप्पल सॉस की रेसिपी सर्च कीजिएगा, APPLESAUCE, एप्पल सॉस की रेसिपी सर्च कीजिएगा. कभी कभार आप फ्रूट्स को स्टीम करते हैं ना तो वो एक बड़े मजे की कंसिस्टेंसी में आ जाता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है. बहुत से बच्चे एप्पल नहीं खाते और एप्पल सॉस खा लेते हैं, और एप्पल सॉस बड़े मजे की लगती है, काइंड ऑफ जेली जैसी चीज़ लगती है. खैर जेली की कंसिस्टेंसी तो और होती है, वो तो और तरह की चीज़ होती है ना, पर उसका फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही होता है. तो चीज़ों को अगेन वही बात, पहले हमने मीट में बात की थी, पर अब फ्रूट्स में भी वही बात आ गई. बच्चों को तरीकाकार मुख्तलिफ कर दें. अगर बच्चे नहीं खा रहे तो आजकल पॉप्सिकल स्टैंड्स मिलते हैं बड़े प्यारे, उसके अंदर आप मिल्क डाल के, उसके अंदर मिल्क शेक बना के, फ्रूट डाल के, अंदर वो दाली पॉप्सिकल बन गया और बच्चे पॉप्सिकल बड़े शौक से खाते हैं, आइसक्रीम समझ के खा लेते हैं, आइसक्रीम समझ के खा लेते हैं. और आपको बताने की कोई जरूरत नहीं कि आपने घर में बनाया. आप कहेंगे आपके आने बच्चे, आपके आने से पहले आप 2 बजे घर आते हैं तो 12 बजे यहाँ से पॉप्सिकल वाला गुजरते हैं, तो मैंने पूरा स्टैंड पर चेंज कर लिया. बच्चे बड़े तेज होते हैं, उनको हम ये भी कह सकते हैं कि मामा ने बहुत अच्छी चीज बनाई है ये. मामा क्या, जब मामा अच्छी चीज बनाते हैं तो बच्चों को पसंद नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट. अगर आप कहेंगे कि बाहर से किसी से खरीदी है तो ये बहुत मजे की चीज होगी, तो आप बच्चों को थोड़ा सा वही बात, बच्चों को थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ता है. अगर बच्चा फ्रूट्स नहीं खा रहा तो आपके पास जूसेस बहुत अच्छी ऑप्शन है, आपके पास मिल्क शेक्स बहुत अच्छी ऑप्शन है, आपके पास स्मूदीज बहुत अच्छी ऑप्शन है, और आपके पास आजकल पॉप्सिकल का मुझे बड़ा अच्छी चीज लगती है, पॉप्सिकल्स बहुत अच्छी ऑप्शन है. वही मिल्क शेक जो बच्चा वैसे नहीं पिएगा पॉप्सिकल के फॉर्म में वो खा लेगा, और बच्चे खाते हैं और बड़ा अच्छा रहता है. स्कूल से आते हैं बच्चे, गर्मी लगी होती है, पॉप्सिकल्स बड़ी अच्छी चीज लगती है. अच्छा यहाँ पे वेजी, ये भी वही बात हुई कि वेजीज नहीं पसंद, उसमें भी आप वैरायटी मतलब रिप्रेजेंट वेजीज में भी आपको वैरायटी लानी पड़ेगी. अगर वेजिटेबल्स किस तरह से सालन के फॉर्म में नहीं खाते या सैलड के फॉर्म में नहीं खाते, ये चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी. अच्छा हुदा का सवाल है कि पीडियाश्योर इज गुड फॉर न्यूट्रिशन इफ ही डजंट टेकिंग मिल्क. फ्रेश मिल्क नहीं ले रहा बच्चा बिल्कुल भी. उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं ले रहा तो क्या पीडियाश्योर इज नॉट दैट बैड, पर वही बात है, बेहतर है कि नेचुरल चीज पे आना चाहिए. पर पीडियाश्योर अगर बच्चा बिल्कुल ही मिल्क नहीं ले रहा तो मिल्क इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप दे सकते हैं ये चीजें. यहाँ पे अच्छा हम एक सवाल ले रहे हैं यहाँ पे कि माय बेबी इज 1 ईयर ओल्ड और वो कह रही है ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग लाइक सीरियल, योगर्ट, मैश पोटैटोस एटसेट्रा, ही इज जस्ट ऑन माय फीड एंड आई एम आल्सो कीपिंग फास्ट, व्हाट शुड आई डू. ये वाली चीज थोड़ी सी मुश्किल है. आपका 1 ईयर तो बहुत बड़ी एज होती है, आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके खिलाना पड़ेगा. अगर आपका बच्चा वीनिंग वाली एज से तो बहुत ही ऊपर है, आपको थोड़ा थोड़ा करके, जो मैंने स्टार्ट में बताया, थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस करवाएं. घर के बाकी सब लोगों से भी कहें कि आते जाते कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहे. वंस द बच्चा गेट्स द टेस्ट ऑफ द फूड, उसको चीज अच्छी लगना शुरू होगी तो वो खुद ही खाना शुरू कर देगा. इट्स ऑल अबाउट डिवेलपिंग द रिफ्लेक्सेस. आप लाइव सेशन स्टार्ट से देखें, मैंने रिफ्लेक्सेस डिवेलपमेंट में बहुत लंबी डिस्कशन की कि आप आदत बनाएं. सिंपल सी बात है, आप आदत बनाएं, खाने की टाइमिंग बच्चे के फिक्स करें, उसको पता हो कि भाई इस टाइम पे खाना आना ही आना है. दूसरे को बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है मदर से कि बच्चे का जो खाने का टाइम है ना, अब उसको दूध पिलाने के बाद आप उसको 1 घंटे के अंदर अंदर कुछ देंगे तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि बच्चे की एक्टिविटी कोई नहीं थी. अगर तो एक तो बच्चे को ना छोड़े जमीन पे, छोड़े से कि चलो भाई भागो, वो क्रॉल करेगा, वो भागे फिरेगा, वो फूड डिमांड करेगा. एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ फिर ये कि आपने ना बच्चे को थका दिया, बच्चे को भूख लगी है, अब भूख के टाइम पे उसको दूध देने के बजाय अब उसको खाना दें. अब उसको खाना दें, 2 दफा बच्चा तंग करेगा और आप परेशान भी होंगे. पहले बता दूँ, आप परेशान भी होंगे, 3 घंटे से खाया नहीं है, मैं दूध पिला दूँ, मैं नहीं देती है. आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज बच्चे के लिए सॉलिड फूड का इंट्रोडक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट देन द मिल्क. अब मिल्क जो है वो उसकी बहुत ही बहुत, अब उसके लिए जितना अच्छा था ना 6 मंथ्स तक मिल्क उसके लिए, उतना अच्छा अब उसके लिए सॉलिड फूड है.
तो मिल्क की रेशियो कम और सॉलिड फूड के आहिस्ता से ज़्यादा होनी चाहिए, और मिल्क को कम कम करते करते जैसे जैसे एज ज़्यादा हो तो मिल्क का जो है वो इनटेक को कम कर दें, और आपने उतना इनटेक फूड का करना है, ठीक है। मिल्क शेक से स्टार्ट करें, अगर वो फीडर लेती है तो उसमें थोड़ा सा मिल्क शेक बनाने की कोशिश करें, क्या वो लेती है, अगर ले लें तो दैट्स वेरी गुड। फार्मूला मिल्क में भी आप मिल्क शेक बना सकते हैं, थोड़ा सा फूड डाल के, थोड़ा सा निपल का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये तरीके आप इस तरह से दे सकते हैं, पर उसको ज़रूर उसकी रूटीन बना के उसको खाने के लिए दिया जाए। अच्छा, मैं आपको थैंक यू कह रही हूँ, थैंक यू, वेलकम, जवाब दे दिए। अच्छा, यहाँ पे तीन चार सवाल आ गए कि मेरा बच्चा 3 साल के और 6 साल के, ऑल पर्पस का दूध ले सकते हैं? देखें, काफ़ी ज़्यादा दूध है, मैं कंपनीज के नाम नहीं लूँगी, काफ़ी ज़्यादा दूध हैं जो टी वाइटनर्स हैं, वो दूध नहीं है। बच्चों को छोटों को आपके लिए पीडियाश्योर वगैरह, नीडो वगैरह, ये कंपनीज हैं, आप इनके दें, और जो टी वाइटनर्स हैं उनमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, प्लीज़ उसको इस्तेमाल मत कीजिए, और कोशिश करें अगर फ्रेश मिल्क इज़ अवेलेबल तो आप वो दें। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके फ्रेश मिल्क अवेलेबल हैं, और अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने इस पे प्रॉपर जो है एक आर्टिकल आया था गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़पेपर के अंदर, आपको उसकी ज़रूर क्लिप वगैरह मिल जाएगी इंटरनेट पे, उसमें बाकायदा साइड बाय साइड लिखा हुआ था कि ये वाले दूध आर दूध, दीज जो मिल्क कंपनीज हैं जो अपने दूध क्लेम करती हैं, दीज आर टी वाइटनर्स। बच्चों को टी वाइटनर्स ना दें, ये जहर है बिल्कुल उनके लिए, बल्कि बड़ों के लिए उतनी ही जहर है, टी वाइटनर्स बहुत गलत चीज़ है। तो फ्रेश मिल्क दें, और हर वो दूध, एक आसान चीज़ याद रखें, हर वो दूध जिसकी शेल्फ लाइफ कम है, मतलब वो ख़राब हो जाता है, तो वो दूध सही होगा, क्योंकि देखें एक नेचुरल तरीके हर चीज़ का, वो अब देखें कोई चीज़ है वो पैदा हुई बड़ी हुई और उसका एक एक डिके पीरियड आता है, कोई फ्रूट है उसने वो मतलब बड़ा हुआ, अब उसने एक टाइम तक फ्रेश है, उसके बाद उसने ख़राब होने, एक चीज़ है जो फ्रेश ही रहे जा रही है, इसका मतलब उसमें कुछ ऐड है ना, और हमने बच्चों को एडिड और प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ नहीं देनी होती, इसमें एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स हों, तो आपने ये ऐसे दूध बिल्कुल भी नहीं देने। आप बच्चों को कोशिश करें आप फ्रेश मिल्क दें, नहीं तो आप स्विच कर लें उनके फार्मूला मिल्क पे, और नहीं तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप खुद सर्च करें, और बहुत दफ़ा ये भी बहुत मेहनत का काम है। देखें बार बार मैं लाइव सेशन में एक बात कह रही हूँ, कोई भी कोई इजी वे या शॉर्टकट नहीं है बच्चों को खाना खिलाने का, आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे, एक एक गवाले से दूसरा गवाला, तीसरा गवाला, नीचे आपको मिल्क मैन चेंज करवाना पड़ेगा अपना, कोई ना कोई एक मिल जाएगा थोड़ा टाइम पीरियड के लिए, भी होता है एक अच्छा दूध अभी दे रहा है थोड़ी देर बाद उसका दूध मिलावट वाला, कोई मिलावट करना शुरू कर देता है। अच्छा, काउ मिल्क कब से पूछा हुआ? आफ्टर वन ईयर, उससे पहले आप नहीं इंट्रोड्यूस करवाते, ठीक है, आफ्टर वन ईयर आपने देना है, उससे पहले आप फॉर्मूला मिल्क रखेंगे बच्चों के, ठीक है। यार कॉन्स्टिपेशन की बात हुई, हमने कॉन्स्टिपेशन की बात नहीं की, 3 ईयर का बच्चा है उसको कॉन्स्टिपेशन का इशू है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन एक बड़ा, हमने स्टूल पे भी बात करनी थी, हमने लिखा हुआ था स्टूल के, बात करते हैं, चले मैं 6 मंथ से स्टार्ट करती हूँ। बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं कि भाई बच्चे को ऐसा स्टूल आया था, बच्चे की तबीयत ऐसी है, बच्चे को ग्रीन कलर का स्टूल आया, 6 मंथ्स के बच्चों की बात कर रही हूँ, बल्कि अब बच्चे ग्रीन स्टूल आया, बच्चे को ठंड लग गई है, बच्चे को ज़्यादा जो है वो येलो कलर का स्टूल आया, तो उसको ये मसला है। स्टूल जो है जो येलो से लेकर ग्रीन भी येलो से लेकर लाइट ग्रीन तक जो भी कलर है दैट्स फाइन, बच्चे का स्टूल जो है डार्क कलर का ब्राउन कलर में नहीं जाना चाहिए, जो 6 माह तक के बच्चे होते हैं, राइट। एक चीज़ ये, तो बच्चों के स्टूल को लेकर परेशान मत हुआ कि जी आपको बहुत लोग कहेंगे कि भाई बच्चे को ठंड लगी इसलिए उसका स्टूल ग्रीन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब कॉन्स्टिपेशन की बात आती है, कॉन्स्टिपेशन में एक तो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बच्चे को पानी पिलाएं आप ज़्यादा, बच्चे का पानी अगर अच्छा है तो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी अच्छी करें, फिजिकल एक्टिविटी ये वो चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करती हैं। फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है तो फाइबर वाली चीज़ें दें, बच्चा नाश्ते में बच्चे को पॉरेजेस वगैरह दें, दलिया दें, घर का बना हुआ, और डब्बों के दलिए की बात नहीं कर रही, बड़े बनाए गंदम बनाए, रोटी वगैरह खिलाएं, बहुत लोगों को पता होगा पानी में डालते हैं बच्चे को ये पिलाएं, पानी में डालें वो जल सी बन जाएगी, थोड़ा सा पानी में वो डाल के पिलाएं, इस पे होल पिलाएं, पर ये वो चीजें सारी जो डाइट से फाइबर इंक्रीज करेंगी, फाइबर इंक्रीज होने के बाद बच्चे का पानी अच्छा करें, बच्चे ठीक हुई रखें, तो उसके बाद स्कूल बच्चा आएगा, मसला नहीं होगा। और फौरन से भी ये चीज कहना, अगर बच्चे ने आज स्टूल पास नहीं किया और कह देना कि उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन ऐसे नहीं होती। कॉन्स्टिपेशन जो है वो 4-5 दिन ना हो, स्टूल 4-5 मैकेनिज्म बावजूद किया
सेशन को वाइंड अप करते हैं। हाँ तो फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।